इधर एक महीने में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अमित शाह चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। शाह के लगातार हो रहे दौरे से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की चुनावी कमान अब शाह के हाथों में ही रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर जो है अमित शाह लगातार है, और इसी बीच आज मध्य प्रदेश के इंदौर के दौरे पर अमित शाह है और कमान जो है वो केंद्रीय नेतृत्व संभाले हुए हैं चुनाव की। तो वहीं आपको बता दें विधानसभा चुनाव जो है इस साल के अंत में होने और इसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो है कमान संभाले हुए है और आज इंदौर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। लगातार ये दौरे का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं और कार्यक्रम जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शाह शिरकत करने वाले हैं। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि भोपाल के दौरे पर थे अमित शाह, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया और अब इंदौर के दौरे पर आएंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज इंदौर के दौरे पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अपना चुनावी मंत्र जो है नेताओं को कार्यकर्ताओं को देंगे। तो शाह चुनाव की कमान संभाले हुए एक्टिव मोड में नजर आ रहा। केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार नजर बनाए हुए मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से पहले जो है दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ महेश मित्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर बनी हुई है और इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनके दौरे को लेकर क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई है? दोनों दौरों को लेकर चुनाव ही प्रमुख मुद्दा रहा है। आज से अमित शाह इंदौर में दोपहर में पहुंचने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का सिलसिला करेंगे। अधिकृत तौर पर आज से भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर अपने आयोजनों को शुरू कर देगी। चुनाव को देखते हुए दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास में इंदौर पहुंचेंगे गृहमंत्री। सीधे पहले भोपाल आना था उन्हें चेन्नई तमिलनाडु से होते हुए, पर वो सीधे अब इंदौर पहुंच रहे। इंदौर पहुंचने के बाद में सबसे पहले 2 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2:30 बजे कनकेश्वरी ग्राउंड में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है वहां सम्मेलन में पहुंचेंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के बाद में यहां से सीधे इंदौर जिले का एक गांव है जाना पाव, क्योंकि जहां पे भगवान परशुराम की जन्मस्थल है, यहां से लगभग 63 किलोमीटर दूर वहां पहुंचेंगे। वहां भगवान परशुराम को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे और कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का अगलो को जो कि ब्राह्मण है या राजनीति उनको साधने का एक तरीका है। उसके बाद में वापस से दोबारा इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर पहुंचने के बाद में होटल मेरियट में बंद कमरों में बंद हॉल में प्रमुख जनों के साथ में जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके साथ में एक यहाँ पे बैठक करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंदौर का जो एयरपोर्ट का जो इलाका है उसमें एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और इस पूरे इलाके में चारों ओर होर्डिंग्स बैनर लगा दिए गए हैं। पूरा शहर यहाँ से कनकेश्वरी ग्राउंड जो लगभग यहाँ से करीब 18 किलोमीटर के आसपास होगा वहाँ तो पूरे रास्ते से इसी तरीके से बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहे की केंद्रीय नेतृत्व का फोकस मध्य प्रदेश के चुनाव पे, हालांकि प्रभारी कई बनाए गए हैं, तो प्रभारी कई बनाने के बावजूद पूरे से पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में रखी थी, जिसमें 2 बार इंदौर में मध्य प्रदेश में दौरा कर चुके हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। साथ ही प्रमुख बात आज ये है कि इंदौर के लिए महत्वपूर्ण दिन राजनीति के हिसाब से, क्योंकि 2 बजे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 57 नेता अमित शाह पहुंचेंगे, कई बड़े नेता इंदौर पहुंचेंगे, उसके पहले अब से लगभग आधे घंटे बाद लगभग 9:45 के आसपास में 9:45 के आसपास में इंदौर के इसी एयरपोर्ट पर कमलनाथ पहुंच रहे हैं। कमलनाथ के पहले कल देर रात में इंदौर में दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों ही नेता इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक लेंगे। कन्हैया कुमार यहाँ पे आ रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में कमलनाथ इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर में एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके पहले होटल मेरियट में महिला कांग्रेस का एक आयोजन है, बड़ा आयोजन है, उसमें शिरकत करेंगे और इंदौर के विधायक क्रमांक 1 के जो आते हैं संजय सिंह उनके द्वारा आयोजित। जी महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर है, क्या लगता है इस बार बीजेपी का चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी पर इसका क्या असर होगा? लगातार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर दौरा कर रहा है।
देखिए ये बहुत स्पष्ट है, केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ पे लगातार दौरा, और अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिक तार माने जाते हैं उनका लगातार 20 दिनों में तीसरा दौरा, वो ये बताता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। भले ही मध्यप्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 2018 में चुनाव यहाँ से कांग्रेस ने जीता था, बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बात को माना, और समय समय से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी माना है कि पिछली बार उसे कुछ नहीं, कुछ इस बार बीजेपी वो कुछ नहीं करना चाहती है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे अपनी अपनी आवाजाही बढ़ा रहा है। जी 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 महेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक